लेंस आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है एक 300mm का सुपर टेलीफोटो लेंस जिसे आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो और मार्केट पर चीप प्राइस में जो टेलीफोटो लेंसेज अवेलेबल है बिलीव मी ये उनसे काफी ज्यादा बेहतर है। और पिछले कुछ दिनों से इसको इस्तेमाल करने के बाद आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगा, इसके फोटो एंड वीडियो क्वालिटी को टेस्ट करेंगे और आखिर में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा इस लेंस के ऊपर। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन के लिए एक अच्छा सा टेलीफोटो लेंस ढूंढ रहे हो, फिर चाहे आपके फोटोग्राफी के लिए हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स जैसे वीडियोस के लिए हो, तो ये लेंस आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस हो सकता है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना इस लेंस का क्वालिटी पता करने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फोटोग्राफी रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है कासे का 300mm सुपर टेलीफोटो लेंस और ये रहा उसका बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको अपना मेन यूनिट यानी कि लेंस देखने को मिलता है, जिसको कि फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से ही कैप से प्रोटेक्ट किया गया है। लेंस का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। इसका जो बॉडी है वो कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है, साथ ही साथ इसके अंदर हाई क्वालिटी ग्लासेस इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से जो फोटो क्वालिटी है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। लेंस के बॉडी के ऊपर आपको एक रिंग देखने को मिलता है जो कि है MF यानी कि मैनुअल फोकस रिंग। इस रिंग को घुमाते हुए आप अपने लेंस से आपके सामने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैनुअली फोकस कर सकते हो, यानी कि फोकस को आप पास या फिर दूर ले जा सकते हो। उसके साथ ही बॉक्स के अंदर आपको एक यूनिवर्सल क्लिप देखने को मिलता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इस लेंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर अटैच करने वाले हो। और इस क्लिप का भी क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम है, क्योंकि ये कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने लेंस को अपने किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर अटैच कर पाएंगे, फिर चाहे आपके स्मार्टफोन में 2, 3, 4, 5 कितना ही कैमरा क्यों ना हो। अब बस इस लेंस को अपने स्मार्टफोन की जो मेन प्राइमरी कैमरा है उसके ऊपर अटैच कर देना और फिर आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद बॉक्स के अंदर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गैजेट देखने को मिलता है, जो कि है ये वायरलेस ब्लूटूथ शटर रिमोट, जिसको कि आप अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करने वाले हो और इस रिमोट को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्मार्टफोन में वायरलेसली फोटो क्लिक कर सकते हो, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है इस लेंस के साथ। जब आप इस लेंस से अपने खुद के कोई फोटोज क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो फोन है उसको काफी ज्यादा दूर रखना पड़ेगा, तो ऐसे वक्त पर इस रिमोट को इस्तेमाल करते हुए आप वायरलेसली अपने स्मार्टफोन से फोटो क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको कुछ और चीजें मिलता है, जैसे कि ये कैरी पाउच, जिससे कि आप इस लेंस को कहीं बाहर कैरी करने वाले हो। और यहाँ पर आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है लेंस को क्लीन करने के लिए और कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। सो दैट्स इट, यही रहा हमारा बॉक्स कंटेंट। अभी हमारे जो मेन यूनिट यानी कि जो लेंस है उसको देख लेते हैं। अब लेंस को हाथ में लेते ही पहला चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है इसका प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है ये लेंस, जिसकी वजह से इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा भारी भी है। और इस लेंस का फोकल लेंथ है 300mm और इसका जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर। अब अगर हम बात करें इस लेंस की आउटपुट क्वालिटी के बारे में, तो इस लेंस का जो आउटपुट इमेज क्वालिटी है उसने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस करे है। आज तक जो भी टेलीफोटो लेंसेज मैंने इस्तेमाल करे हैं इसका क्वालिटी मुझे सबसे बेहतर लगा है। अगर मैं इस लेंस का जो डिस्टॉर्शन है उसके बारे में बात करूं, तो इस लेंस में आपको डिस्टॉर्शन मिलता है लेकिन वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। अगर आपको डिस्टॉर्शन के बारे में पता नहीं है, तो डिस्टॉर्शन एक ऐसा ऑप्टिकल प्रॉब्लम है लेंस का, जहां पर आपकी फोटो के जो बीच वाला एरिया है वो अच्छी तरीके से फोकस में रहता है, लेकिन जो कोने का एरिया है वहां पर शार्पनेस लॉस्ट हो जाता है या फिर वो ब्लर हो जाता है, या फिर आपका जो फोटो है उसमें एक रेडियल ब्लर जैसा इफेक्ट आ जाता है। खास करके टेलीफोटो लेंसेज का साथ ये प्रॉब्लम होता है, ना केवल मोबाइल बल्कि DSLR लेंसेज के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन DSLR का जो प्रोसेसिंग है वो काफी बढ़िया होता है, जिसके वजह से जो डिस्टॉर्शन है वो आपको उतना ज्यादा नजर नहीं आता है। तो मोबाइल के लिए जो भी टेलीफोटो लेंसेज आते हैं लगभग हर एक लेंस में आपको डिस्टॉर्शन मिलता है, लेकिन इस लेंस का जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ही कम है, यानी कि आपका जो फोटो है उसमें कोने के एरिया में भी आपको काफी बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। नाउ ये एक टेलीफोटो लेंस यानी कि एक जूम लेंस है, और जब आप इस लेंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर अटैच करेंगे तो आपका जो कैमरा है वो जूम हो जाएगा, जिसको कि हैंडहेल्ड कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप हैंडहेल्ड फोटो या फिर वीडियो कैप्चर करते हो तो आपका जो फोटो है वो ब्लरी आ सकता है या फिर आपका जो वीडियो है वो काफी ज्यादा शेकी आ सकता है। तो ऐसे वक्त पर बेहतर होगा कि आप अपने स्मार्टफोन को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दो और उसके बाद आप इस लेंस को इस्तेमाल करो, इससे आपको एक काफी स्टेबल फोटो या फिर काफी स्टेबल वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इस लेंस के बैकग्राउंड ब्लर के बारे में, तो बैकग्राउंड ब्लर काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है।
आपके आपके सब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके सब्जेक्ट के और बैकग्राउंड के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस लेंस से काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाएगा। फिर चाहे आप पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर रहे हो या फिर कोई एनिमल का फोटो कैप्चर कर रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट का, ज़्यादातर वक्त आपको इस लेंस से काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर अपनी फोटो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने काफ़ी सारी फोटोज़ कैप्चर करे हैं, फोटोज़ को आप देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए फोटो का क्वालिटी आपको कैसा लगा। नाउ इस लेंस से जो फोटो क्वालिटी आपको मिलता है वो सच में काफ़ी बढ़िया है। एक टेलीफोटो लेंस के हिसाब से जो फोटो क्वालिटी आपको मिलता है दैट इज़ रियली वेरी इंप्रेसिव। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जो स्मार्टफोन का कैमरा है उसको इस तरीके से तैयार नहीं किया जाता है कि एक टेलीफोटो लेंस के साथ वो बेहतर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि जब आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर एक टेलीफोटो लेंस अटैच करते हो तो आपका जो स्मार्टफोन कैमरा है वो ऑप्टिकली जूम करता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ोटो में डिटेल्स लॉस होता है, साथ ही साथ आपका जो फोटो है वो थोड़ा बहुत फेडेड हो जाता है। नाउ इन माय ओपिनियन, अगर आप अपने स्मार्टफोन के लिए एक प्रीमियम क्वालिटी का टेलीफोटो लेंस परचेज करना चाहते हो, फिर आपके इंस्टाग्राम रील्स जैसे वीडियोस के लिए हो या फिर फोटोग्राफी करने के लिए हो, देन आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रीमियम लेंस जो कि आप आज के दिन में परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए मैं apexel.in का बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, जहां पर से आप इस लेंस को परचेज कर सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, लेंस का क्वालिटी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।